नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से मिम्रीज के प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। बात करते हैं क्वाइन मार्केट कैप के इस आर्टिकल के बारे में जिसके अंदर बताया जा रहा है कुत्ता कुत्ते को खाए। अभी यहाँ पे भैया शिबा इनु क्वाइन और डोज क्वाइन के बीच में एक जंग छिड़ चुकी है क्वाइन मार्केट कैप के अंदर अपनी जो रैंक है उसको चेंज करने के लिए। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है बोथ मीम कॉइन्स आर करंटली नंबर 9 एंड नंबर 10 इन क्वाइन मार्केट कैप लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी। अभी अभी जो दोनों क्रिप्टो करेंसी है वो यहाँ पे 9 और 10 नंबर के ऊपर आगे पीछे हो रही है। देन यहाँ पे ये कहा जा रहा है राइट नाउ इट्स शिप दैट्स विनिंग द बैटल फॉर सुपरमेसी एट द टाइम ऑफ राइटिंग इट हैज मार्केट कैप ऑफ 39.1 बिलियन एंड हैज राइजिंग बाय 10% ओवर द पास्ट 24 आवर्स। अब यहाँ पे जब इन्होंने ये आर्टिकल लिखा था तब यहाँ पे शिबा इनु क्वाइन का जो मार्केट कैप है वो यहाँ पे 39.1 बिलियन के ऊपर था और यहाँ पे भैया 10% की ग्रोथ की थी 24 घंटों के अंदर। इससे यही जाहिर होता है कि शिबा इनु क्वाइन की कम्युनिटी काफी ज्यादा स्ट्रांग है और यहाँ पे कंटिन्यूसली नए नए इन्वेस्टर शिबा इनु क्वाइन के अंदर अपना रोकड़ा लगा रहे हैं और यहाँ पे यही रीजन है कि शिबा इनु क्वाइन का मार्केट कैप डोज क्वाइन से ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे भैया शिबा इनु क्वाइन अपनी जो रैंक है उसको यहाँ पे चेंज करने की कोशिश कर रहा है। उसी सेम टाइम के ऊपर यहाँ पे जब डोज क्वाइन की मार्केट कैप की बात की जाए तो यहाँ पे भैया $36 बिलियन का था जबकि यहाँ पे शिबा इनु क्वाइन 39 बिलियन के ऊपर ट्रेड कर रहा था। उसके अलावा यहाँ पे क्वाइन मार्केट कैप की तरफ से एक और अच्छी बात की गई है जिससे मैं भी एग्री करता हूँ और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि Coinbase जैसी बड़ी एक्सचेंज भी शिबा इनु क्वाइन को सपोर्ट करती हुई नजर आती है। आपने देखा होगा कि शिबा इनु क्वाइन का नाम भी जोड़ दिया गया है। जब आप यहाँ पे Coinbase का एप्लीकेशन प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे भैया लिखा हुआ आता है बाय इथेरियम शिबा इनु क्वाइन एंड यहाँ पे बिटकॉइन का नाम भैया आता है जबकि यहाँ पे यही जाहिर होता है कि शिबा इनु क्वाइन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। इसीलिए यहाँ पे Coinbase जैसी जबरदस्त एक्सचेंज भी शिबा इनु क्वाइन को सपोर्ट करती है। उसके अलावा यहाँ पे रॉबिनहुड की पेटिशन को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा की गई है। देन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि रॉबिनहुड को लेकर भी काफी ज्यादा लोग एक्साइटेड है और यहाँ पे पेटिशन के ऊपर 4,50,000 से ज्यादा सिग्नेचर हो रहे हैं और यहाँ पे भैया लोग यहाँ पे रॉबिनहुड के ऊपर भी काफी ज्यादा दबाव डाल रहे हैं कि शिबा इनु क्वाइन को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट कर दो। रिसेंटली यहाँ पे रॉबिनहुड को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि यहाँ पे जो डोज क्वाइन के साथ रॉबिनहुड कमा रहा था वो यहाँ पे ट्रेडिंग होना बंद हो चुकी है। अभी यहाँ पे ज्यादातर इन्वेस्टिंग शिबा इनु क्वाइन के अंदर हो रही है। अब यहाँ पे हो सकता है कि रॉबिनहुड भी यहाँ पे कोई एक्शन ले सकता है शिबा इनु क्वाइन के बारे में। जिन यहाँ पे रॉबिनहुड का खुद का यहाँ पे क्रिप्टो वॉलेट भी लॉन्च हो चुका है उसके अंदर अल्ट कॉइंस का ऑप्शन भी आ चुका है तो भैया तैयार हो जाइए। 5 लाख की सिग्नेचर कंप्लीट होने के बाद रॉबिनहुड भी कोई शिबा इनु क्वाइन के बारे में फैसला कर सकता है। उसके अलावा यहाँ पे क्वाइन मार्केट कैप की तरफ से एक और अच्छी चीज बताई गई है जिसके अंदर ये कहा जा रहा है बिलीव दैट दिस अल्ट क्वाइन कुड बी वन डे बी वर्थ ऑफ $0.01। अभी यहाँ पे भैया काफी ज्यादा लोगों की ये चर्चा है कि शिबा इनु क्वाइन फ्यूचर के अंदर ग्रोथ भी करेगा और यहाँ पे क्वाइन मार्केट कैप का भी यही कहना है कि शिबा इनु क्वाइन $0.01 का जो आंकड़ा है उसको भी क्रॉस कर सकता है। लेकिन यहाँ पे इस आंकड़े को अचीव करने के लिए शिबा इनु क्वाइन को काफी ज्यादा मार्केट कैप की नीड पड़ेगी और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बट हिटिंग दिस प्राइस वुड गिव इट्स मार्केट कैप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5.5 ट्रिलियन 5 टाइम मोर देन बिटकॉइन द वर्ल्ड बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी। अभी यहाँ पे भैया बिटकॉइन के साथ भी काफी ज्यादा इसको लड़ाई करनी पड़ेगी और यहाँ पे भैया अप्रोक्सीमेटली 5.5 ट्रिलियन का यहाँ पे मार्केट कैप चाहिए शिबा इनु क्वाइन को जब जाके यहाँ पे ये जो $0.01 का जो प्राइस है उसको ये अचीव कर सकता है जो कि यहाँ पे बिटकॉइन जो कि दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी है उसको यहाँ पे भैया 5 टाइम पीछे छोड़ना पड़ेगा तब जाके ये जो आंकड़ा है वो यहाँ पे अचीव हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि शिबा इनु क्वाइन फ्यूचर के अंदर इतनी बड़ी ग्रोथ हासिल कर सकता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि शिबा इनु क्वाइन की न्यूज आपको बहुत पसंद आ रही होगी। अगर इस टोकन के बारे में आप मजीद जानना चाहते हो तो हमारे मीम टीच के प्लेटफॉर्म को ट्विटर के ऊपर ज्वाइन कर लीजिए जहाँ से आपको जल्द से जल्द हर एक अपडेट मिलती रहती है। उम्मीद करता हूँ कि मीम टीच की तमाम वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ बार बार देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का घंटा प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा।